الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا رب لي لي صدري من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه मेरे अज़ीज़ भाइयों दोस्तों अगर एक मुसलमान की हसीत से हमसे कोई सवाल करे कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है वो कौन सी शख्सियत है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते तो एक मुसलमान की हसीियत से हमारा जवाब ये होना चाहिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जैसे शुैब कह रहा था कि अल्लाह का क़ुरान हमसे तकाज़ा करता है अन नबी बिलमुमिन अमिन अनफुसिम व अजवा जह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोमन के लिए उसकी ज़ात से भी ज़्यादा उसको प्यारे और अज़ीज़ होते हैं और अगर हमारे ईमान की ये कफ़ीत नहीं है कि हमें कायनात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कुछ और भी लोग अज़ीज़ हैं तो फिर हमारे ईमान को आप असल कहते हैं फिर मम नहीं हैं हमारा ईमान दिल जो है वो ईमान से ख़ाली है फिर हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए और ये कैसे हो सकता है कि उस हस्ती का ज़िक्र किया जाए उस हस्ती के बारे में बातें की जाएं जो इंसान का महबूब होता है ना बंदा अपने महबूब का तस्करा करता है उसको याद करता है तरीके तरीके से अपने महबूब को याद करता है और जिस महफल में आपके महबूब की बातें हो रही हों उस हस्ती की बातें हो रही हों जो कायनात में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अजीज़ है आप उसके लिए आधे घंटे की कुर्बानी भी ना दें कितनी बदकिस्मती की बात है ये तो ऐसे ही है ना कि कहने के लिए तो हम यह कहते हैं कि सदक़े या रसूल अल्लाह। और रसूल सल्ला व्म की जात के लिए हम आधा घंटा भी जो है क़ुरबान नहीं करते तो ये कैसा प्यार है सोचना चाहिए हमें इस पर गौर करना चाहिए अल्हद ये किताब जो है इमाम तिरमजी रमतल तैय की शमायलबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दरअसल अल्हमदल् जारी है हमने जो अभी चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है बाबू माजा आफी ख़ाता नबू के नबी अलैहि वसल्लम की वो स्टैम्प नबूवत की जो अल्लाह ताली ने मोजे के तौर पर आपके जिसम पर लगाई थी और वो स्टैंप कैसी थी किस तरह की थी ये सहबा कराम बयान कर रहे हैं जिस सबि ने जिस तरह देखा और जिस तरह उसने उसको जो है वो जज किया या उसको जो है महसूस किया फ़ील किया उसने अपनी फीलिंग को बयान किया है तो पिछले दरस के अंदर हमने एक खातून की हदीस बयान की थी कि उस खातून ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत रुमस रजी अल्लाह तन अल्लाह के नबी वसल्लम के पीछे खड़े होके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी थी और वो कहती हैं कि मैं अल्लाह के नबी के इतनी करीब थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो ख़ातम नबूआ है जो नबूवत की स्टैम्प है वो मुझे नज़र आ रही थी मैं अगर चाहती तो मैं उसका बोसा ले सकती थी इतनी मैं करीब थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आज जो हम हदीस पढ़ने लगे हैं ये नाइन्टीन नंबर हदीस है इस किताब की खाला इमाम तिरमजी कहते हैं कला हदसना अहमदुबिन अबदबी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अहमद बिन आबदा अबदबी ने और वह अली उबन हुजरिन और दूसरे जो रावी हैं जिनसे मैंने ये हदीस सुनी वो अली अलीबिन हुजर हैं गैर वाहिदिन और इन दोनों के अलावा और भी कई लोग हैं जिनसे मैंने ये हदीस सुनी है कालू वो सारे के सारे कह रहे थे अखबराना ईसा बनो यूनस हमें ख़बर दी ईसा बिन यूनस ने और वो बयान करते हैं उमर बिन आब्दिल्ला से उमर बिन अब्दुल्लाह कौन है मौला गुफरा। वो गुफरा के गुलाम हैं और वो कहते हैं हदसनी इब्राहीम बिन मुहम्मद। मुझे हदीस बयान की इब्राहीम बिन मुहम्मद ने और ये इब्राहीम बिन मुहम्मद कौन है मिनबुलद आली इबन अबी क़ाल रदील वो हज़रत अली की औलाद में से हैं उनके बच्चों में से हैं उनकी औलाद में से हैं काला वो फ़रमाते हैं कि काना अली रदी अल्ला के अली ऱी अल्ला जो थे इज़ा वसफ़ रसूल अल्लाह वसलम जब वो अल्लाह के रसूल सल्लम सल की शफत बयान करते के नबी वसम के बारे में कुछ चीज़ बयान करते आपका हलिया मुबारक आपका चेहरा मुबारक आपका जिसम मुबारक कोई भी चीज़ जब वो बयान करते फ़ाकर अल हदीस अबित ही तो वह लम्बी हदीस जो हम पीछे पढ़ के आए हैं तो वह पूरी हदीस बयान करते वकाला और उस हदीस के अंदर ये आता है कि वबैीना काति ही खा तबूा के नबी अक्रमल्लम के ये दोनों शोल्डर जो हैं ये जो कंधे हैं इनके पीछे और ये जो लेफ़्ट वाला शोल्डर है इसके ज़्यादा करीब और जहाँ पे दिल होता है दिल के बिल्कुल पीछे जो है खा तमनबू नबोवत की मोर थी ये पीछे हम पढ़ के आए हदीस और इस बाब में दोबारा इमाम साहब ने बयान किया इसको और ये मुहदसिन की एक आदत होती है कि मुहदसिन जो बाब कैम करते हैं उसके मतलब अगर हदीस पहले भी बयान हो चुकी हो लेकिन उस बाब के हवाले से उसका जिक्र करना वो ज़रूरी है हैं जैसे हज़रत इमाम बुखारी रमतल की सही बुखारी है उसमें कई हदीसें जो हैं वो मुकर मुकर का मतलब होता है बार बार हैं जी वो जो है उनको बयान किया है तो ये मुहदसिन का एक तरीक़ा होता है कि जो चैप्टर कैम किया उस चैप्टर के हवाले से जो उस हदीस के अंदर मौजू है जो उसका टॉपिक है उसमें जो चीज़ उस टॉपिक के साथ उस चैप्टर के साथ जो मिलती है जो उसके साथ सूट करती है उसको वो दोबारा बयान करते हैं और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कि ये सिर्फ़ इस उम्मत का शरफ़ है ये जो मैंने है, आपके सामने जो सनद पढ़ी ना हदसन अहमदुबन ज़बी और हज़रत अली के पोते और फिर आगे जो है हज़रत अली और फिर रसूल सल वम ये जो है ये इस उम्मत का शरफ़ है इस उम्मत के अलावा अल्लाह ताला ने कितनी उम्मतें गुजरी हैं कितने नबी गुज़रे हैं किसी को ये शरफ़ नहीं बख्शा कि हमारी जो बात आज आप सुन रहे हैं ये जो हदीस आप सुन रहे हैं इस हदीस की सनत जो है वो रसूल्लाम के साथ मिलती है आपके कानों में जो आवाज़ आ रही है ना हदीस की ये आप रसूल सल वसम के साथ इसकी मिल हज़रत इमाम मुसलम हज़रत इमाम मसलम सही मसलम वाले वो शगिरद थे इमाम बुखारी के किसके शगिर थे इमाम बुखारी के और इमाम बुखारी शगिरद थे इमाम महमद बबन हम्बल के इमाम महमद बबिन हम्बल शगिरद थे इमाम शाफी के और इमाम शाफी शगिरद थे इमाम मालक बिनस के और इमाम मालक जो थे वो शगिरद थे इमाम नाफ़े के और इमाम नाफ़े जो तबा ताबी हैं वो एक ताबी हज़रत आरज इमाम आरज के शगिर थे और इमाम आरज जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा के शगिर थे और हज़रत अबू हुरैरा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं और हज़रत महमदर रसूलुल्लाह कहाँ से बयान करते हैं नाजाला बहिर व लतंज़ीलु इ नहूल तनज़ीलरब्बिल नाजा बिहर अला अलाकलबी कल तकून अमिनमंजरिन बिलिसानिन आरअम मुबीन वो किससे बयान करते हैं हज़रत रूह अमीन हज़रत जबरील अमीन से और हज़रत जबरील अमीन किस से ले आते हैं बात रबालमीन से कितनी बड़ी शहादत की बात है यानी हम ज़मीन पे बैठे हुए इस मस्जिद में बैठे हुए हमारा जो सिलसिला है वो अल्ला रब्लमीन के साथ जुड़ा हुआ है ये जो हदीसें इनको मामूली ना समझें लोग जो हैं वो इसके लिए वक्त निकालना कुर्बान करना जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं जी अगर कहीं पे पंद्रह पाउंड का बीस पाउंड का तीस पाउंड का हमें फ़ायदा बेनिफिट नजर आता हो तो उसके लिए एक घंटा भी हमें खड़ा होना पड़े तो हम खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये दुनिया का फ़ायदा है और जिस चीज़ के ऊपर हमारी आखरत का दारोमदार मदार है उसके लिए हम जो है वो दस मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं होते हमें वो बच्चों के साथ बैठना जा के ये ज़रूरत वो ज़रूरत ये ठीक है ज़रूरतें होती हैं इंसान की लेकिन इंसान जब अपनी दुनिया के लिए वक़्त की कुर्बानी देता है जहाँ दुनिया का उसको फ़ायदा मिलता है तो जिस चीज़ में आखरत का फ़ायदा हो उसके लिए वो क्यों कुर्बानी नहीं देता यानी कहा जाए बताया जाए कि अल्लाह के रसूल की बातें होने वाली हैं और बंदा जो है वो उठ के चला जाए बंदा उठ के चला जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए उसके पास जो है वो वक्त ही ना हो और वो दिल में ये तमन्ना रखे कि कल मैं जब हौज़े शाफ़ी या कौसर के पास जाऊँगा तो वो मेरी शफात फरमाएँगे हैं जी साकी कौसर के पास जाऊँगा हौज़े कौसर से मुझे जाम देंगे मैं उस अपने नबी के पास जाऊँगा वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाएँगे अगर उस नबी ने पूछ लिया कि जब मेरा तस्करा हो रहा था तेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं था कि तू बैठ के मेरी बात ही सुनता तो फिर हमारे पास क्या जवाब होगा इस हदीस में हजरत हज़रतली रजी अल्लाह तन ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वम के ये जो शोल्डर हैं इन शोल्डर ये लेफ़्ट साइड का जो शोल्डर है इसके बिल्कुल पीछे थोड़ा सा नीचे दिल के बिल्कुल अपोजिट जो है वो ख़ातमनबूा नबूत की मोर थी नबूत की मोर थी और फिर वो साथ फ़रमाते हैं वह वातमन ननबीन नबी अक्रम सल्ह वसम क्या हैं वो वो हस्ती हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने तबूबत का सिलसिला ख़त्म कर दिया कुरान पाक में अल्लाह पाक क्या फ़रमाते हैं हाफ़ज शुब साहब अब्दुलरीम भी है हाफ़ माशा यहाँ पर सलेमान भी है अल्लाह क्या फरमाते हैं माकाना महमदनबाद मजा आलकुम वला कर रसूल अल्ला व ख़ातमनबी وَكَانَ الله بكل شيء <عَلِيمًا> الناس वक़ान अल्लाह बिकलिस नलीम कुलयासु रसूल जमीआ के रसूल सल्लाम के ऊपर अल्लाह नबूवत को ख़त्म कर दिया आ नबूत का जो ये सिलसिला था नबूवत की ये जो चैन थी इसका आखिरी सिरा जो है वो हज़रत महम्मदोल्लाम ख़ाता नबी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह त फ़रमाते हैं कि वो ख़ाता ननबूा वो नबूत की मोर भी थी इसलिए कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम ख़ात्मनबीन बना के भेजा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ें अरसाद फरमाई अपनी ज़ात के बारे में एक आप के लिए बात अर्ज़ करना चाहता हूँ अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओतीत बस तीन सा छः चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं सिक्स थिंग्स ऐसी हैं लम यूता उन मिन कबली जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई हैं जी और उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रमायाती तो जवााम अल्लाह ताला ने मुझे तुझे जवााम अता किए जवााम से क्या मुराद है जवाम से मुराद ये है कि बड़े मुख्तर अल्फाज और बड़े अजीम मानी जैसे कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर देना हैं जी तो इस तरह अल्लाह के नबी नबीसम ने एक छोटी सी बात की मिसाल इन मल आमाल बन्नियात अमलों का दारो मदार किसके ऊपर है नीयतों के ऊपर अब ये हदीस के शरा के अंदर लोगों ने कई कई वालियम की किताबें लिख दी और ये हदीस क्या है चंद लफज हैं इन्ना बिन नियात। बिन तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कई हदीसें हैं जवाम उलम यानी बहुत ज़्यादा गुफ्तु को जमा करने वाले चंद लफज हैं जी अरबी जबान में कहते हैं खैरकलामी व वल के अरबी ज़बान में कहते हैं कि बेहतरीन कलाम गुफ्तु वो होती है जो थोड़ी हो और मुदल्लल हो मुदल्लल हो वो खैरुल कलाम वो खैरुल कलाम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जो है वो खैरुल कलाम है ठीक अल्ला है अल्लाह तो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वस ख़ुतब हाजम के फ़र आहसन अलहदीसी किताबुल्ल व व ख़ैरल हद हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कलाम किसका है अल्लाह का और बेहतरीन हिदायत किसकी की है महम्मदरसूल्ला वसलम की फरमाया ओती तो जवााम अल्लाह ताला तुझे जवााम अता फरमाए और दूसरी चीज़ व सर तो बरबी मसीरत शहरिन उस ज़माने में लोग सफ़र करते थे कैमल्स के ऊपर हॉर्सेस के ऊपर डोंकीज़ के ऊपर ठीक है ना तो वो जहाँ इंसान एक महीने में सफ़र करके पहुँचता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह पाक ने मेरा रोब जो है मेरा रोब मेरा दबदबा जो है वो पहले अल्लाह ताला वहाँ पुँचा देता था एक महीने की मुसाफत तक बसने वाले लोग जो मेरे मुनकर थे वो मुझे मेरा नाम सुन के कांपते थे डरते थे नसीर तू बिर रोब ताला ने ये मेरी मदद की थी मुझे मदद की गई थी बिर रोबी रोब के साथ और ये जो रोब होता है ना ये रोब जो होता है ना जब किसी के दिल में आ जाए ना अल्लाह अकबर फिर उसकी हालत क्या होती है आप ये देखते हैं आजकल गज़ा से बाज़ वीडियोज़ आती हैं हैं जी इसराइल जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन असला है दुनिया का बेहतरीन असला है और उनके सिपाही दुनिया के बेहतरीन ट्रेंड सिपाही हैं हैं जी हर चीज़ उनके पास मौजूद है लेकिन उनके दिलों के अंदर जो वो नहते छोटे छोटे, छोटे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका रोब अल्लाह कैसे डालता है हाँ मैं भी देखता हूँ आप भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वायरल हुई हुई हैं जी ये होता है रोब तो अल्लाह के नबीम ने फरमाया न सिर तो बिर रोब मसीरत शाहरेन और उसके बाद जो तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी वसल्लम ने फ़रमाई वो ये है कि वह उहिल्लत ली गनाइम अल्लाह ताला ने मेरे लिए गनीमतें हलाल कर दी पहली जो उमतें थी ना पहले जो नबी थे उनके ज़माने में जो गैर मुसलम होते जो नबियों के मुखालफ होते उनके साथ लड़ाई होती थी लेकिन उस लड़ाई में जो माल दुश्मनों से हासिल किया जाता था वो मुसलमान आर्मी के लिए मुसलमान फ़ौज के लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होता था उसको क्या करते इकट्ठा करते एक जगह पर आग लगा देते जल जाता मुसलमान उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते थे लेकिन फ़रमाया कि वो उहिलतलीम मेरे लिए तनीमत को हलाल कर दिया है वालम तुम्शाफ़ा अनुमस वलकुरबा यसअलू नकानफ़ालफ़ाल वसूल फ़त् वसलह तो ये गनीमत का माल मेरे मेरे लिए अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया और उसके बाद के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं तीन चीज़ें हो गई चौथी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं वजूलिया मस्जिदरा अल्लाह ने पूरी ज़मीन को पूरी ज़मीन की जो मट्टी है पूरी ज़मीन जो है अल्लाह ताला ने मेरे लिए मस्जिद बना दी है पहली उमतों में ये था कि वो जब नमाज़ पढ़नी होती तो वो ख़ास जो उनका महबद होता जहाँ इबादत करते थे वो प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ जाके वो इबादत करते थे तो उनको वहाँ जाना पड़ता था उनको वहाँ जाना पाता पढ़ता था लेकिन फ़रमाया मेरे लिए अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है जहाँ नमाज का वक्त आ जाए खड़े होकर नमाज़ पढ़ लो तो नमाज़ पढ़ी जा सकती है व तहूरा और अल्लाह ने इस मट्टी को मेरे लिए पाक कर दिया है अगर पानी मौजूद नहीं है तो मट्टी से मसा करके तयम करके नमाज पढ़ी जा सकती है तहूरा और उसके बाद अल्लाह के नबी पाँचवीं चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अरशाद फरमाई अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह खूतीमा बीअ अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नबूवत को ख़त्म कर दिया मेरी ज़ार जो है ये नबूवत का आखिरी सिलसिला है इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता मैं आखिरी नबी हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छठी चीज़ अरसात फरमाई अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं वुर्सल तो काफ़तन्नास क्यों अल्लाह यानी पहले जो मुझसे पहले जो बनी इसराइल के कानत बनी इसराइल जो बनी इसराइल थे उनमें क्या होता था तो सूसु हम अलम्बिया उनके अंदर नबी आते अगर एक नबी फ़ौत हो जाता है इज़ा हाल का ख़लफा हु नबी यून तो दूसरा नबी उसकी जगह पे आ जाता अगर वो नबी अल्लाह के पास चला जाता फ़ौत हो जाता उसके बाद तीसरा नबी आ जाता तो ये सिलसिला जारी रहता लेकिन फ़रमाया मेरे ऊपर आके अल्लाह ताला ने ये सिलसिला ख़त्म कर दिया है उर्सल तो का फ़तनास अल्लाह ताला ने मुझे सारी इंसानियत सारी कायनात के लिए जो है वो नबी बना के भेजा है मैं रसूल बन के आया हूँ और मेरे बाद अब किसी नबी की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह तुरन वारा का फ़तनासी बशीरम वन ज़ीरा ए मेरे नबी वसम हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए और अल्लाह के नबी जब ये नास का लफज आता है इसमें सारी मखलूक आ जाती हैं अल्लाह के नबी वस जिनों के भी नबी हैं इंसानों के भी नबी हैं फ़रिश्तों के भी नबी हैं दरख्तों के भी नबी हैं जो कायन में चीज़ मौजूद है हर चीज़ के अल्लाह के नबीसम नबी इसलिए कि अल्लाह के, अल्ला के नबी को अल्लाह तरमाया अल्ला अपने बारे में क्या फ़रमाते हैं अलहदुल्ला ही सारे जहान जहानों को पालने वाला कौन है रबालमीन अल्ला रब्लमीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि व मा अरसलना का रहमत अलमीन हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है तो आलमीन के अंदर सारे आ गए कि नहीं आ गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के नबी हैं और हम यहाँ ये यह बात समझ रहे हैं वह ख़ाता ननबीन कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं आगे जो हदीस नंबर टवेंटी है कल हदसना कला हद्दना महमद अबन बशार इमाम तिर फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की मोहम्मद अबन बशार ने कला अखबराना अब आसम वो कहते हैं हमें खबर दी अब आसम ने और वो कहते हैं कि अखबर ना आजरा तुबन सब हमें ख़बर दी अजरा बिन सबत ने और अजरा बिन सबत कहते हैं काल हद सनीबा उबन अहमर यशकुरी कि मुझे हदीस बयान की अल्बा बिन अहमद यशकुरी ने और वो कहते हैं हदसनी अबू जैद मुझे हदीस बयान की अबू जैद जिनका नाम था आमर बिन अखतब यानी अबू जैद उनकी कुनीत थी और उनका नाम था अब आमर बिन अख्तब अंसारी और वो मदीने के रहने वाले अंसारी साहबी थे तो इल्बा बिन अहमर जो है ये क्या बने ताबी ठीक है ना ये सेकंड जनरेशन के ताबी बने तो वो कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की अबू ज़ैद अमर बिन अल अंसारी ने कला वो फरमाते हैं कल अली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आबाजद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिन फ़रमाया या याबाजैद अबाजैैद किस किसकी कुनीत है इस सहाबी की अमर बिन अल अंसारी की अबाज़ैद उदन मिन्नी मेरे करीब करीबा हो अकबर और अपने क़रीब बुलाया फम सा ज़ाहरी और फरमाया कि मेरे ना ये बैग के ऊपर ये कमर जो है ना इसके ऊपर मेरा अपना हाथ फेरो जहरी, फमसा ज़ाहरी फमसााहत ज़ाहरा हो वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग के ऊपर बाज़ात इंसान का दिल चाहता है कि कोई बैग के ऊपर जो है उसकी ये कमर जो है उसके ऊपर हाथ फेरे इससे उसको सुकून मिलता है तो कहते हैं कि फमसाहत ज़ाहरा हो तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे हाथ फेरा फवाक़त असाबी और जब मैं हाथ अल्लाह के नबी वसल्लम के कमर मुबारक पे फेर रहा था फवात असाबी तो मेरे ये हाथ की जो उंगलियां हैं ये क्या हुआ ख़ातम ये अल्लाह के नबी वसल्लम की जो ख़तम नबूबत थी ना उसको जाके इन्होंने टच किया अल्लाह अकबर साहबा की किस्मत देखें आप हैं जी अल्लाह अकबर जो इस कायनात की करीम है अल्ला ने जितनी मखलूक़ात को पैदा किया जितने इंसानों को पैदा किया सब हसीनों से हसीन कौन थे हज़रत महम्मदरसूल्ला सब खूबसूरत लोगों से खूबसूरत तरीन लोग कौन थे हज़रत महम्मदालसूल और हज़रत मोहम्मद और जो कायनत की सबसे खूबसूर खूबसूरत तरीन हस्ती है उसको ये सहाबी जो हैं वो अपने हाथ के साथ टच कर रहे हैं और टच करते करते कहते हैं कि मेरा हाथ जो है वो नबी अक्रमल्लम की उस ख़ाताबूआ जो नबूत की मोर थी उसको जाके टच किया अच्छा कुल्तू ये जो उनके शिगिर थे नाबा अलबा बिन अहमर यशकुरी ये कहने कुल्तू कहते मैंने उनसे पूछा वो वमल ख़ातम तो वो मोहर कैसी थी वो मोर कैसी थी आप भी यही सुन रहे हैं ना मुख्तलब सहाबा ने अपने अपने तरीके से उसको बयान किया है किसी ने कहा था वो चकोर के अंडे के बराबर थी किसी ने कहा कि वो कबूतरी के अंडे के बराबर थी किसी ने कहा कि वो उभरा हुआ गोश्त का एक हिस्सा था जो जिसम के रंग जैसा था जैसा आपका जिसम का रंग था किसी ने कुछ कहा तो ये कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि वो मोर कैसी थी काला शात उन मुझ तमियात उन वो कहते हैं कि वो बाल थे कुछ इकट्ठे हुए बाल थे और उबरे हुए थे आपके जिसम से जो है वो उबरे हुए यानी ऊपर नज़र आ रहे थे और वो इकट्ठे थे अकबर और इमाम अहमद इबन हम्बल ताला अलैह उनकी मशहूर किताब है मुस्न्द इमाम अहमद जिसमें वो उन्होंने हदीसें बयान की कई वालीम के अंदर है तो इमाम अहमद इबन हम्बल ने इसी रिवायत को अपनी मुस्ंद के अंदर भी बयान किया है और उस मुसनद में जब वो बयान करते हैं तो इमाम साहब ने जो हदीस बयान की है उसमें वो फरमाते हैं हज़रत अबू ज़ैद अमर बिन अख्तबल अंसारी कहते हैं फ़ाद ख़ल तो यदि फ़ी कमी से ही मैंने अपने हाथ को अल्लाह के रसूल वसल्लम की जो कमीज़ थी जो आपकी शर्ट थी जो आपने पहनी हुई थी कमीज़ जो आ, मैंने उसके अंदर डाल दिया अपने हाथ को फ़ाद ख़ल तो यदि फ़ी कमी से ही व फ़ी ही और मेरा हाथ जो मैं हलाते हलाते उसको जो है मैंने जो है वो क्या अल्लाह के नबी वसम की वातमन नबूा जो है उसको मैंने टच किया और कहते हैं कि जब मैंने ये कर लिया यानी जब मैंने ये अपनी जाब कर ली अल्लाह के नबी वसल्लम के हुक्म की तामील कर ली तो अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने खुश हो के मेरे सर के ऊपर भी हाथ फेरा वो अलहत्ति ही और मेरी दाढ़ी के ऊपर भी हाथ फेरा हैं जी अल्लाह के नबीस ने खुश हो के मेरे सर के ऊपर भी हाथ फेरा और मेरी दाड़ी के ऊपर भी हाथ फेरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे मुझे एक दुआ भी दी दुआ क्या थी दुआ ये थी कि अल्लाह मजमिल हो अदिम जमाल हो इस मेरे अमर बिन अखतब अबू ज़ैद को अल्लाह खूबसूरत बना दे जम मिल होता का मतलब ये जमील से जमील अरबी ज़बान में ख़ूबसूरत को कहते हैं ब्यूटीफुल को अल्लाह मजमिल हो अल्लाह मेक के ब्यूटीफुल अल्लाह इसको ख़ूबसूरत बना दे वा अदिम जमाला हु और अल्लाह जो इसको तो खूबसूरती देगा वो हमेशा इसके ऊपर रहे जब तक ये ज़िंदा रहे वो ख़ूबसूरती इसके ऊपर रहे और मुहदसिन ने जो सबक राम की सीरत की किताबें हैं ना उनमें ये चीज़ बयान की है वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़ैद हज़रत अबू ज़ैद अमर बिन अंसारी रज़ी अल्लाह तन की उम्र एक सौ नौ सा, नौ साल से ज़्यादा थी मिया व बिज़ आसिन बिज आसिन का मतलब होता है नौ तक अलीफिला तो ये एक से लेकर नौ सा, नौ तक जाता है ये ये जो अदद है ये जो आ, क्या कहते हैं हिंसा जो है तो अल्लाह के नबी सल आसम की दुआ से अल्लाह तको एक सौ 109 साल की तकरीबन उम्र दी और फरमाते हैं कि उनके उनके सर में और उनकी दाढ़ी में फरमाया बिल्कुल मामूली से सफ़ेद बाल इल्ला नबजुन नब्ज़न यानी बिल्कुल मामूली से सफ़ेद बाल थे और वो भी एक जगह पे वगरना उनके बाल काले और फरमाते हैं कि उनका चेहरा तरोताज़ा अब बंदा बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा होने के बाद जो है वो जिसम के ऊपर जो है वो बुढ़ापे के आसार नज़र आते हैं ना जुड़ियाँ पड़ जाती हैं जो स्किन जो है ये लटक जाती है हैं जी स्किन जो है ये लटक जाती है बंदा जो है वो बूढ़ा नज़र आता है और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके चेहरे को इतना तरोताज़ा रखा था उस सहाबी के चेहरे को कि बुढ़ापे का कोई कोई साइन उसके ऊपर नज़र नहीं आता था और अल्लाह अकबर और जिसम भी उनका पहले भी हमें एक हदीस पढ़ के हैं जिसम भी उनका माशा बड़ा मज़बूत था उसमें भी बुढ़ापे के कोई आसार नहीं थे और ये जो है ना व इन माबाक़िया वजहू हु आला जमाली हत मा तब बरकती दावत नबी और ये खूबसूरती ये हुसन ये जमाल जो है उस वक़्त तक उनके साथ रहा जब तक उनकी वफ़ात नहीं हो गई हैं जी तो ये अल्लाह के नबी सल्ला वम की दुआ थी और दुआ का ये असर था और यहाँ मैं आपको एक बात और अर्ज करूँ वो बात यह है कि ये तो वो खुश नसीब थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और उनको दुआ नसीब हुई और आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मौजूद है और ये क़यामत की सुबह तक मौजूद है मैं और आप हर बंदा इस दुआ से फ़ैज याब हो सकता है हर बंदे को ये दुआ नसीब हो सकती है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नदरल्लामरान नद दरल्लामरान समिया मकालती फवाआ व हाफिज़ाहा कि अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे अल्लाह उस बंदे को फ़्रेश रखे अल्लाह उस बंदे के ऊपर अपनी ख़ूबसूरती का बारिश बरसाए अल्लाह उसको ख़ूबसूरत बना के रखे किस को नदरल मन सम या मकालती जो मेरी हदीस को सुनता है जो मेरी बात को सुनता है जिस तक मेरी सुन्नत पहुँचती है जिस तक मेरी अफरमान पहुँचता है जिस तक मेरी हदीस पहुँचती है फिर वो उसको याद करता है फिर उस पे अमल करता है और अमल करने के बाद फिर वो आगे किसी को जाके सुनाता है कि जो वो वो भी उसके ऊपर अमल करता है और हो सकता है कि जिसको वो जाके सुना रहा है वो सुनने वाला ये सुनाने वाले से ज़्यादा उस पे अमल करने वाला हो विदा के मौके पे अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या फरमाया था फ़ली उबलगु शाहदुल्ला जो यहाँ पर मौजूद प्रेजेंट है ना जो लोग ये उनको जाके बता दें जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं हो सकता है रबा मुबल्गिन अव्हा कि जिसको जाके बात सुनाई जा रही है वो इस सुनाने वाले से ज़्यादा उस पर अमल करे तो आज भी अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अल्लाह के, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसको नसीब हो जाए तो वो अपने आप को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ अटैच कर ले अपने आप को रसूल के फ़रमान के साथ अटैच कर ले वो अपने आप को रसूल वसल्लम की अदाओं के अंदर ले आए रसूल वसल्लम की सुन्नतों की इच्छाओं के अंदर ले आए और इन जब तक वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के साथ अटैच रहेगा हदीस मुस्तफा के साथ अटैच रहेगा तो अल्लाह के फजल करम से उसका चेहरा तरोताजा ताज़ा रहेगा और ये आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि जिनको अल्लाह अकबर ये शादत नसीब हो जाती है जिनके ऊपर ये कर्म हो जाता है अल्लाह का कि उनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़ात के साथ वबस्ता हो जाता है उनका ओढ़ना बिछोना अल्लाह के रसूल वसल्लम की आदीस होती हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नतें होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरों पर एक रौनक होती है एक नूर होता है अल्लाह पाक हमें भी ये नूर अता फ़रमाए अल्लाह पाक हमें रसूल अल्लाम की अदाओं के साथ जो है वो जोड़ के रखे आपकी सुनतों पे अमल करने वाला आपकी हदीस पे अमल करने वाला बना के रखे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार जो है वो हमें नसीब फरमाए इमाम सूफियान बिन उजैना रहाम तरमाया करते थे मामिन आहदिन यतलबुल हदीसा अला वफ़ी वजही नबोरतन जो भी बंदा हदीस का तलब बन जाए तलब का मतलब क्या होता है तालब इलम हदीस सीखने वाला हदीस पढ़ने वाला अमल करने वाला याद करने वाला जो अपने आप को हदीस के साथ मला लेता है न इल्ला अल्ला वफ़ी वजही न अल्लाह पाक उसके चेहरे के अल्लाह उसके चेहरे के ऊपर जो है वो तरोताजगी डाल देते हैं वो बंदा जो है उसका चेहरा तरोताजा हो जाता है फ़्रेश हो जाता है अल्लाह पाक उसके चेहरे को मनवर कर देते हैं अल्लाह पाक हमें भी नसीफ रमाए जजाकुमल खैर